बिल्कुल मोनिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि देखिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह के 8 बजे की प्रक्रिया, शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। लंबी लंबी लाइन जो है आपको यहाँ पर मतदाताओं की नजर आ रही होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन बुजुर्ग मतदाताओं से मिलवाती हूँ, क्योंकि देखिए ये वो मतदाता है जो हमारे युवाओं को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि देखिए आपको अपने घर से बाहर निकलना है, पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। मैम आपकी उम्र क्या है? 84। और सर की? 84। आप दोनों सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हैं। मुझे बताइए कि 2017 में भी आपने वोट किया था, 2014 में भी, यार बात करते हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के रहते हैं? क्योंकि बुजुर्ग होने के नाते चाहे वृद्धा पेंशन की बात करें या किसी भी चीज की, मुद्दे आप लोग के क्या रहते हैं? मुद्दे क्या रहते हैं कि क्या सोचकर आप लोग वोट करते हैं? ऐसा ही अपना भला हो जाए, भला हो जाए, विकास हो जाए। तो देखिए देश के विकास के लिए और अपने भले के लिए जाहिर सी बात है, तो ये सब सोचकर जो है मतदान करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे युवा वोटर्स की बात करें, बुजुर्ग की बात करें। रितिका भी लगातार मेरे साथ मौजूद है। रितिका, आपके पास वहाँ पर क्या तस्वीरें? मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया अनुपमा शुरू हो चुकी है और आज वोटर्स का दिन है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार लगातार जारी था, तमाम दावे तमाम वादे किए गए थे, लेकिन अब वोटर्स का दिन है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। वडनगर के बूथ नंबर 153 में मौजूद हूँ, जहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर कतारें देखिए, किस तरीके से बुजुर्ग लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि यही एक वोट जो है आपके लोकतंत्र को मजबूत करता है, आपकी हक की आवाज उठाता है। और ये देखिए अपने मतदान पर्ची को दिखाते हुए, आधार कार्ड को दिखाते हुए, और बात कर लेते हैं कि आज जब ये मतदान केंद्र पहुंचे हैं तो क्या सोचकर पहुंचे हैं? आज सुबह सवेरे आप यहां पर आए, क्यों आए? आपका नाम? अमिर भाई। हां, क्या चाहते हैं, किस तरीके का कामकाज होना चाहिए, वोट के जरिए आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? सारा काम दिन मतदान कर रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हम अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण भी मतदान केंद्र पर मौजूद है। अरुण, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में खास तौर से तो है ही, लेकिन बच्चों में भी प्रधानमंत्री को देखने की ललक ऐसी है। ये देखिए इतने सारे बच्चे इकट्ठा है, किसको देखने के लिए आए? मोदी जी। आपको पता है मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। कितनी उम्र है आपकी? 12। 12 साल। आपको पता है मोदी? मोदी जी कौन है पता है आपको? प्रधानमंत्री। तो क्या क्या देखने आए आप? मोदी को। आप क्या देखने आए? मोदी को। ये देखिए ये बच्चे हैं, आप देखें ये बच्चों के अंदर जो उत्साह है प्रधानमंत्री को लेके, आपको क्या लगता है ये बच्चे क्यों उनको देखने आए हैं? हमारे देश के भावी नागरिक है। हाँ। उनको भी इतनी इच्छा है कि हम भी उनकी तरह ऐसे स्ट्रांग बनेंगे। एक बात बताइए, आपके मोहल्ले के प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कैसा महसूस होता है? हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा गर्व और कोई नहीं लेता होगा। हाँ। क्योंकि हम जितने हमने बचपन से ही, जब यहाँ पे वो सीएम थे, तभी भी हम यहीं पे रहते थे, हमने उनको पहले से ही हमारे आंखों के सामने देखा है कि वो सीएम से लेके पीएम बने हैं, तो हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। आप देखिए ये मोहल्ले के लोग हैं, उनके ये बच्चे खास तौर से, देखिए सारे बच्चे खास तौर से उनसे मिलने के लिए आए हैं। हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज इन इंडिया पर, सबसे बड़ा दंगल में, लेकिन फिलहाल चलते हैं शालिनी के पास। बिल्कुल, और देखिए जो सीनियर सिटीजन है वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और ऐसे ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सिटीजन वोटर। सर क्या नाम है? किरीट भाई। आप लाइन लगे उसके पहले पहुंच गए वोट डालने? क्योंकि 8 बजे भी चालू होता है, फिर लंबी लाइन हो जाती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है सब वोटर्स। यार यस, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा तो एक ही है कि हमारी जो इतने सालों की हमारी बचत है और टैक्स का पैसा जो लूटा हुआ है और जो लूटने आ रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। ठीक है, आपका भी यही मुद्दा है मैम? बस यस यस यही। चलिए तो सीनियर सिटीजन, बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सिटीजन जो है वो भी मतदान केंद्रों तक अब पहुंच रहे हैं। पीछे आप देखिए लाइन लगनी भी शुरू हो चुकी है। 5 मिनट का वक्त हो गया है जबकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, और यहाँ जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ वहां पर बड़ी संख्या में मुझे लोग फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं मोनिका का भी रुख कर लेती हूँ, यही अहमदाबाद में मैं मौजूद हूँ, मोनिका भी अहमदाबाद में, और सबसे ज्यादा जो प्रमुख सीट है, सबसे ज्यादा नजर जिसकी बनी हुई है जिस सीट पर, वो अहमदाबाद की इन्हीं 21 सीटों के इर्द गिर्द घूम रही है। मोनिका क्या तस्वीर आप दिखाएंगी? बिल्कुल,
बिल्कुल शालिनी, आप दिखा रही हैं कि वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वोटर्स आपको दिखाने वाली हूँ। वोट करके वोटर्स निकल चुके हैं। एक बार मैम सियाही दिखा दीजिए अपने हाथों की। ये देखिए, ये सियाही भी आप देख पा रहे हैं, वोट करके आ गए हैं। मैम कुछ जहन में था आज वोट करने से पहले? कुछ था मन में था क्या? कुछ नहीं था, हमने तो बस साफ मन करके हमने वोट दे दिया है। हर बार आप आते हैं वोट करने? हर बार आते हैं। पूरा परिवार आपका? हाँ, पूरा परिवार आता है। एक बार जल्दी से वोट अपील कर दीजिए सभी लोगों के लिए। अभी सब लोगों को मैं अपील करता हूँ कि सब वोटिंग करे तो अपने लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल, तो देखिए ये वोट हक का इस्तेमाल करके जो पहले वोटर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं नारायणपुरा में मौजूद हूँ, अपने वोट हक का इस्तेमाल करके निकल रहे हैं। और ऐसे ही आप देख पा रहे हैं लंबी लंबी कतारें अब लगनी शुरू हो गई, लेकिन अनुपमा भी हमें कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखा रही हैं। अनुपमा, वोटिंग शुरू हो गई है क्या? कुछ तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतार जो है साफ तौर पर नजर आ रही होगी वोटिंग की। लेकिन सबसे पहली वोटर जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने सबसे पहला अपने मतदान का इस्तेमाल किया। मैम स्याही का निशान सबसे पहले दिखाइए, क्योंकि ये स्याही का निशान जो है, देखिए ये गर्व का निशान होता है। ये लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा निशान होता है। मैम आपने वोट का इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने किया। मुझे ये बताइए कि आखिर आपके मुद्दे क्या थे? मैं ये नहीं पूछूं किसको वोट किया, आपके मुद्दे क्या थे वोटिंग के दौरान? पहला मुद्दा तो मैं जागरूक नागरिक हूँ, इसलिए मतदान के हिसाब से सब मतदान को मतदान करने के निकलने का है। और जो विकास का मुद्दा है और भविष्य में भी विकास का मुद्दा अमल होगा, उसके हिसाब से सब मतदान को मतदान करने के लिए निकलना चाहिए। गुजराती में जरा इस बात की अपील कर दीजिए कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बधा ज नागरिकों ने, परिवार सभ्यों ने मारू अपील छे के सब समयसर 5 वागे पहला मतदान करवा अचूक निकल जो आ तमार हक छे, फरज छे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तो देखिए लगातार इस बात की अपील भी की जा रही है कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और 8 तारीख को जरूर देखिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। और एक बार फिर से जनक के पास लिए चलते हैं। जनक, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या ताजा तस्वीरें? जनक देखिए, फिलहाल मैं विरमगाम में हूँ, हार्दिक पटेल के घर के बाहर। और अभी थोड़ी देर पहले ही हार्दिक ने मीडिया से भी बात की और उसने पूरा भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी की बड़ी जीत हासिल होगी और सरकार बनेगी। सुरक्षा के मुद्दा सबसे अहम रहा है और इसके चलते पीएम मोदी की जो चेहरे पर पूरा भरोसा, और इसी के चलते जीत हासिल होगी, ये उन्होंने भरोसा जताया। थोड़ी देर बाद ही हार्दिक यहाँ से जो पास में जो गांव है वहाँ पर, चंद्रनगर वहाँ की जो स्कूल है वहाँ पर वो मतदान के लिए निकलेंगे और कोशिश करेंगे उस समय उनसे बात करने की। लेकिन फिलहाल का अपडेट फिलहाल यही है कि हार्दिक अभी पूरी तरह से यहाँ वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में ही यहाँ से निकलेंगे और पूरा जीत का भरोसा उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तब उन्होंने जताया है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि शंकर चौधरी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए आगे बूथ के अंदर जो है मतदाताओं की कतारें लगी हुई है, लेकिन बाहर यहां पर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले शंकर चौधरी वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना वोट कास्ट करेंगे। इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं? किसका? साहिब का। साहिब? साहिब का। साहिब के नाम से आप बुलाते हैं उन्हें? साहिब के नाम के बुलाते। तो क्या है दिमाग में, क्या जहन में, क्या क्या मुद्दे? पहले साहब वोट डालेंगे, बाद में ही हम डालेंगे। कामकाज को लेकर आप क्या कहेंगे? आसपास कामकाज हो रहा है, विकास हो रहा है? आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए कैमरे के सामने। देखिए कैमरे के सामने शर्माते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, वोट कास्ट हो गया आपका? नहीं, अभी करने का सर आएगा, उसके बाद हम वोट डालेंगे। तो देखिए शंकर चौधरी का इंतजार करते हुए, जो कि थरोद विधानसभा सीट से मौजूदा उम्मीदवार है।